19 मई साल 1824 को नाना साहेब का जन्म महाराष्ट्र के वेणुग्राम में हुआ। वे साल 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शिल्पकार थे। नाना धोंडू पंत के नाम से भी प्रसिद्ध थे। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने बालक नाना को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया, जिस वजह से वे नाना राव भी कहलाए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के देहांत के बाद नाना राव ने मराठा साम्राज्य के 14वें पेशवापद की दावेदारी की। जब मेरठ में क्रांति का श्री गणेश हुआ तो नाना साहेब ने बड़ी वीरता और दक्षता से क्रांति की सेनाओं का कभी गुप्त रूप से तो कभी प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व किया। 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहेब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और कुछ समय के लिए पेशवा की उपाधि भी धारण की। 19 मई साल 1904 को भारत के महान उद्योगपति जमशेद जी टाटा का निधन हुआ। वे विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर उतना गर्व नहीं होगा जितना कि अपने सबसे विश्वसनीय समूह होने पर होगा। उन्होंने अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अनेक नई व बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। टाटा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए बम्बई यानी आज के मुंबई में ताजमहल होटल खड़ा किया, जो पूरे एशिया में अपने ढंग का अनूठा होटल है। जिन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटलों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, ताजमहल होटल इसी दमनकारी नीति का करारा जवाब था।